नमस्कार, के आरटी न्यूज नेटवर्क देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ महक रंधावा। चलिए देश की बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। गिरफ्तारी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई जारी। केजरीवाल के वकील ने कहा कि बिना बयान दर्ज किए उनकी गिरफ्तारी की गई है। आम आदमी पार्टी का आरोप, जेल में बंद सीएम अरविंद केजरीवाल का शुगर लेवल खतरनाक स्तर तक घट गया है, वजन भी 4.5 किलो तक हुआ कम। आम आदमी पार्टी के आरोप पर तिहाड़ जेल प्रशासन की सफाई, कहा केजरीवाल पूरी तरह से स्वस्थ है, उनका वजन पहले की तरह 65 किलो ही बना हुआ है। शरद पवार का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला, बोले देश में चल रहा है अघोषित आपातकाल। दूसरी बार कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केरल के वायनाड सीट से दाखिल किया नामांकन, प्रियंका गांधी भी इस मौके पर रही मौजूद। नामांकन से पहले राहुल गांधी ने रोड शो किया, वायनाड की सड़कों पर बड़ी संख्या में लोगों ने दिया समर्थक, इस रोड शो में लिया हिस्सा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का मध्य प्रदेश दौरा, रैली से पहले उज्जैन के महाकाल मंदिर में परिवार के साथ पूजा अर्चना की, सीएम मोहन यादव भी इस मौके पर रहे उपस्थित। यूपी में आज से अमित शाह संभालेंगे मोर्चा, मुरादाबाद में पार्टी नेताओं के साथ करेंगे मुलाकात। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी प्रत्याशी नितिन गडकरी ने नागपुर में रोड शो किया, विकास के नाम पर लोगों से मांगी है वोट। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह जमानत पर आज होंगे रिहा, रिलीज ऑर्डर पहुंचने का किया जा रहा है इंतजार, रखी गई है कुछ शर्तें कोर्ट की तरफ से। भाजपा में शामिल हुए विजेंद्र सिंह, कांग्रेस को लगा है बड़ा झटका। 1 जून को पंजाब और हरियाणा में सभी शिक्षा और सरकारी कार्यालय रहेंगे बंद। आज के लिए इतना ही, आप देखते रहे मेरे साथ के आरटी न्यूज नेटवर्क, देश की आवाज़।